ना किया। मुझे इसमें समझ नहीं आती कि जब इन्होंने फैजाबाद बंद किया, इन्होंने इस्लामाबाद बंद किया, इन्होंने रावलपिंडी बंद किया, पाकिस्तान के पूरा पाकिस्तान में फ्लूज होकर रह गया इनके वायलेंट शिद्दत पसंद धरने की वजह से, ठीक है। और एक आग की तरह वो जो क्या कहते हैं प्रोटेस्ट जो थे वो फैल रहे थे पूरे मुल्क के अंदर, तो उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पाकिस्तान का सबसे बड़ा कि रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटी है ही नहीं। और जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने फिर वो मोटो एक्शन लिया और उन्होंने अपनी जजमेंट तफसीली फैसले के अंदर उन्होंने लिखा कि 1997 के टेररिज्म एक्ट के तहत आप तहरीके लबैक पे मुकदमा दायर दर्ज करें और इस पार्टी को बैन करें। और ये 2019 में तफसीली फैसले की बात कर रहा हूँ, जो फैजाबाद धरने का तफसीली फैसला था। ठीक है। उस जजमेंट के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑल पर्सनल मैनिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस शुड बी डीम्ड टू बिहेव न्यूट्रली एंड शुड नॉट बी टेकिंग साइड्स विद सर्टेन पोलिटिकल फैक्शन। बड़ा कैटेगोरिकली लिखा था कि आईएसआई मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसपीआर का ये बहुत मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ये आईनी तौर पे ये वाजे है कि वो किसी भी पार्टी या जमात को सपोर्ट ना करें। लेकिन आप फिर भी देखते हैं कि हस्तास इदारों के लोगों ने हजार हजार रुपए के चेक बांटे तहरीके लबैक के वो जो वो तो बताए थे पिक्चर्स काफी उनको। आम है, सर्कुलेट की हुई है। पिक्चर्स थी, ठीक है। मुझे समझ नहीं आती कि जब आपके पास एक तफसीली फैसला मौजूद था कि आप इस पे कार्रवाई करें, तो आपने उस फैसले के खिलाफ आपने पिटिशन दायर कर दी। उल्टा जिस जज ने फैसला लिखा आपने उसके साथ क्या किया? आपने कहा वो रॉ का एजेंट है, वो रॉ का बयानिया बुलंद कर रहा है। आपने ये कहा कि वो